हेलो स्टूडेंट्स, होप ऑल ऑफ यू आर फाइन। लेट्स रिवाइज सर्कुलेटरी एंड नर्वस सिस्टम। इन लास्ट वीडियो वी हैव रिवाइज्ड नर्वस सिस्टम। इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू रिवाइज सर्कुलेटरी सिस्टम। सो लेट्स स्टार्ट विद सर्कुलेटरी सिस्टम। ऑल ऑफ यू नो सर्कुलेटरी सिस्टम दैट हेल्प्स इन सर्कुलेटिंग ब्लड थ्रू आउट अ बॉडी। That is known as circulatory system. It constitute of three parts: blood, blood vessels and heart. It constitute of किससे बना है? Three parts से: blood, blood vessels and heart. First we will discuss blood. अब blood के किस चीज में help करता है blood? All of you know the red color fluid that is circulating inside of a body, that is blood. हमें कोई वॉन्ड लग जाता है तो वहां से क्या बाहर आता है? ब्लड, एंड दैट इज रेड इन कलर। सो दिस ब्लड इज हेल्प इन ट्रांसपोर्टेशन ऑफ डाइजेस्टेड फूड थ्रू आउट अ बॉडी। अब क्या होता है, डाइजेस्टिव प्रोसेस जो होता है उसमें न्यूट्रिएंट्स एब्जॉर्ब हो जाते हैं फूड के, ऑल ऑफ यू नो। अब वो न्यूट्रिएंट्स जो एब्जॉर्ब हो गए वो कौन ट्रांसपोर्ट करेगा पूरी बॉडी में? दैट इज दैट गेट मिक्सड विद द ब्लड, और ब्लड उस सारे न्यूट्रिएंट्स को पूरी बॉडी में कैरी करता है। Then oxygen, blood transport oxygen to all parts of the body. And then carbon dioxide, अब body parts क्या करते हैं? Oxygen utilize कर लेते हैं और क्या release करते हैं? Carbon dioxide. अब वो carbon dioxide को lungs से कौन लेके जाएगा? Blood. Same with excretory material, जो waste material होता है body का, every cell, जो हमारी body में जितने भी cells हैं, every cell is going to produce some waste material. वो कौन इकट्ठा करता है? ब्लड। दैट वेस्ट मटेरियल गेट मिक्सेस विद द ब्लड एंड गोज टू कहाँ जाता है? किडनी में फॉर प्यूरिफिकेशन। नाउ ब्लड वेसल्स, सेकेंड पार्ट ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम इज ब्लड वेसल्स। ब्लड वेसल्स आर ऑफ थ्री टाइप्स: आर्टरीज, वेन्स एंड कैपिलरीज। हमारी जो ब्लड वेसल्स हैं आपने देखा होगा बॉडी में थिन थिन जो क्या है, वायर्स टाइप थिंग है, ट्यूब्स हैं, एंड दोज ट्यूब्स आर ब्लड वेसल्स। ये क्या करती हैं? हमारे ब्लड को ट्रांसपोर्ट करती हैं एक जगह से दूसरी जगह पे। जैसे रोड होते हैं वो एक सिटी को दूसरी सिटी से कनेक्ट करते हैं या एक प्लेस को दूसरी प्लेस से कनेक्ट करते हैं, सिमिलरली इन अवर बॉडी वी हैव ब्लड वेसल्स, एंड दोज ब्लड वेसल्स दे ट्रांसपोर्ट ब्लड टू डिफरेंट पार्ट्स ऑफ अवर बॉडी। नाउ दीज ब्लड वेसल्स कैन बी ऑफ थ्री टाइप्स: आर्टरीज, वेन्स एंड कैपिलरीज। फर्स्ट वी विल डिस्कस आर्टरीज। आर्टरीज दे कैरी ऑक्सीजनेटेड ब्लड, ऑक्सीजनेटेड। नाउ व्हाट इज ऑक्सीजनेटेड? ऑक्सीजनेटेड मीन्स ऑक्सीजन रिच, ऑक्सीजन रिच। सो दिस आर्टरीज दे कैरी ऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम हार्ट टू डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी। कहाँ जाएगा? फ्रॉम हार्ट टू डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी, ऑक्सीजन रिच ब्लड। देन वी हैव वेन्स। वेन्स कैरी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। व्हाट इज डीऑक्सीजनेटेड? डीऑक्सीजनेटेड मीन्स कार्बन डाइऑक्साइड रिच ब्लड, दैट मीन्स कार्बन डाइऑक्साइड कंटेनिंग ब्लड, दैट इज डीऑक्सीजनेटेड। नाउ वेन्स कैरी कार्बन डाइऑक्साइड रिच ब्लड और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम बॉडी पार्ट्स टू हर्ट। आर्टरीज कहाँ से लेके जा रही थी? हर्ट टू बॉडी पार्ट्स। वेन्स कहाँ से लेके जाएंगी? फ्रॉम बॉडी पार्ट्स टू हर्ट। एंड दीज कैपिलरीज, दीज आर द लिंक बिटवीन आर्टरीज एंड वेन्स। जब आर्टरीज जो है वो डायरेक्टली ऑक्सीजनेटेड ब्लड बॉडी पार्ट को सप्लाई नहीं करती हैं, जब वो किसी भी बॉडी पार्ट को ब्लड की रिक्वायरमेंट है तो वो किस में जाएगा? कैपिलरीज में। यू कैन सी दिस इज आर्टरी, देन दीज आर्टरीज स्प्लिट इन टू स्मॉलर blood vessels, and these blood smaller blood vessels are capillaries. Now these are carrying blood, and then exchange of carbon dioxide and oxygen takes place in these capillaries only. Then again this blood goes to veins and back to heart. So these are type of blood vessels.